समोसे बच्चों के लिए है, मैं तो खाती नहीं हूँ तुझे पता है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। भाई देखो आंटी आई हुई है, सब पोचे वोचे लगा दिए घर में, और आंटी भाई काम कर रही है तो मैं सॉरी आंटी नीचे जा रहा हूँ। आंटी भाई लड़ रही है, आंटी ने काम कर रहा है भाई। आंटी कह रही है नीचे जाओ तुम सब। चंडीगढ़ पुलिस के थानेदार हैं ये, आज हमारे घर आए हैं, ये भी जासूसी करने आए हमारे घर में। और मम्मी तू क्या करी प्रीमा? आलू के पराठे गूंद रही हूँ, आलू के पराठे बना रही हूँ। पराठे गूंद रहे हो कि बना रहे हो? पराठे आलू गूंद के फिर पराठे बनाऊंगी मेहमानों के लिए, मेहमानों को लगी भूख। ऊपर चलते हैं छत पे। ये देखिए चंडीगढ़ से आए हुए हैं चंडीगढ़ पुलिस के थानेदार साहब। सुबह सुबह की एक्सरसाइज इंडियन वाला मुंडा तो करता नहीं, हमने सोचा उसके नाम के हम कर देते हैं। ये चंडीगढ़ से आए हैं स्पेशल स्पेशल मुझे पीटी सिखाने के लिए आए। पीटी भाई ऐसे करा करूंगा बस आज के बाद। ये सांस कैसे चढ़ रही है? अब मामू कह रहे थे तुमको तो करना आता है नहीं, हम ना करके दिखाता हूँ। आप जिम नहीं जाते इंडियन वाला मुंडा? ये क्या है? अभी शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हो, ये शोल्डर मोटे होने के लिए, छाती चौड़ी करने के लिए है। ये छाती चौड़ी करने वाली एक साइज है, स्पेशल चंडीगढ़ से आया मुझे सिखाने के लिए। करके दिखाओ। थक गया मैं, चंडीगढ़ से स्पेशल मुझे एक्सरसाइज जिम कराने के लिए आया है चंडीगढ़ पुलिस के थानेदार साहब। और देखो मैं कितना मोटा हो गया, पतला करने के लिए आया। और भाई ये तो जवान है, पुलिस के जवान। आप पहले कुश्ती करते थे? यस। कहाँ पे? हिसार, हरियाणा। हिसार में? ये कान पे भी आपके उस टाइम लगी पड़ी है जब आप कुश्ती करते थे? पहलवानी करते हैं उनके कान टूट जाते हैं। पापा बताओ क्या कह रहे थे? पापा के यहाँ पे गले पे एक शेर ने नाखून मार दिया। ओह माय गॉड, चोट लग जाती है, खेलते चोट लग जाती है। आगे कैसे करते रहोगे? वन टू थ्री गो, वन टू थ्री। ओ मम्मी उड़ा दिया मेरे को। ये फर्स्ट है उड़ने में, ये सेकंड है क्योंकि ये ऐसे उड़ जाता भाई। अब चल रहे नीचे, देखते हैं मिस्त्री भी लगे अपने सारे, जो जाके मिस्त्रियों से मिलते हैं। गेट बंद कर देता हूँ। भाई चाय पियेगो? हाँ चाय पीऊंगा यार, गरम गरम ठंडी ठंडी गरम 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 चाय बढ़वा रहे थे। लग गए पत्थर सारे? हाँ भाई बाहर देख, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, देखते हैं पत्थर वत्थर लग दिए। गुड मॉर्निंग इंडियन वेला मुंडा। भाई ये देखो लग रहा हूँ भाई अपना टाइल वाला मिस्त्री। हाँ बस लग रहे हैं भाई, लगा दी टाइल सारी? हाँ लगा दी, पिलर हम पत्थर लगा रहे हैं। ये अभी लगाई है सारी? अभी लगाई, ये एक दो तीन चार पिलर पे भी टाइल लगाई है, इधर भी सारा झाड़ दिया, यहाँ भी टाइल लगेगी। ये ग्रेनाइट लगा दिए सारे, ये टाइल है। ये भाई पेंटर अपना लग रहा है, फ्रंट में ही कर रहा है फटाफट, उसके बाद यहाँ टाइल लगेगी। आगे चल के देखते हैं भाई, और पीछे भी मिस्त्री लग रहे हैं जो हमारे। क्या कर रहा है भाई तू? तेल निकाल रहा हूँ भाई। तेल लगानी शुरू कर रहा हूँ? कहाँ लगाए हुआ है? फ्रंट पे आगे। पानी वानी तो आ रहा है आज? उधर से भाई ये सारे मिस्त्री लग रहे हैं, और ये नया छोरा आया आज, नया मिस्त्री धनेटे गांव के हैं ये भाई, सारे धनेटे के रामगढ़ के। और ये सारे आज सनमाइका लग रही है, सनमाइका खोल रहे हैं, तो आज सनमाइका का काम शुरू होगा, अंदर अलमारियों पे और किचन में लगाएंगे सब जगह। आगे चल के देखते हैं और भाई पेंटर पे क्या कर रहे हैं, पेंटर भी लगे पड़े हैं इस कमरे में। देखो ये सारी सनमाइका आ चुकी है, सनमाइका लगेगी ये बेड पे और अलमारियों पे, सनमाइका लगेगी। काम कम्प्लीट हो गया, सनमाइका काम दे रहा है, और ये मंदिर भी रेडी हो चुका है, इसके नीचे ये पाए लग चुके हैं सारे। इस कमरे में भी भाई ये सारी सनमाइका काट रहे हैं, और ये सब लगाएंगे अलमारियों पे और बेड पे। भाई किचन में देखते हैं, किचन में देखो ये हमारी चिमनी आ चुकी है, चिमनी है, और ये देखो नीचे भी सनमाइका स्टार्ट होगी, लगना शुरू होगी, यहाँ काम कम्प्लीट हो गया बॉक्स का। और ये भाई इस कमरे में नाप ले रहा है,
यहाँ भी सनमाइका स्टार्ट कर रहे हैं लगाना अलमारियों पे और बेड पे। तो भाई इस कमरे में देखो आप दोबारा से पेंट करा गया है, दूसरा कोट ये पेंट भी हो चुका है यहाँ भी ड्राइंग रूम में, और यहाँ पे अभी मंदिर लगेगा उस साइड, और इधर एक टीवी का जो यहाँ टीवी का फ्रेम बनेगा, यहाँ टीवी का फ्रेम यहाँ बनाएंगे। सारा पोचा लग चुका है, सफाई हो चुकी है, सामान हमारा फैल रखा है। चंडीगढ़ के मेहमान आए, उनसे भी मिलते हैं, वो खाना खा रहे हैं सारे बैठ के। आलू के पराठे खा रहे हैं और क्या टेस्टी। नानी के हाथ काफी देर करी और मुझे भी करवाई, अब पराठे खा रहे हैं। और भाई पराठे गर्मा गर्म बन रहे हैं, मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी सोच रहा हूँ पराठे मैं भी खा लेता हूँ, क्योंकि भाई सुबह सुबह का नाश्ता करना जरूरी रहता है। खाली पेट तो भाई ब्लॉगिंग भी नहीं होती, ब्लॉगिंग बनाना भी मुश्किल है, खाली पेट तो मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। मम्मी देखो गर्मा गर्म पराठे बना रही है, देसी घी के आलू के पराठे। देखो ये सारा सिस्टम रख रखा है और आलू भर रही है इसमें दमादम। चंडीगढ़ से थानेदार साहब आया है, ये भी आज इनके लिए स्पेशल आलू के पराठे बन रहे हैं। दही का कटोरा लेके देखो घूम रहे हैं और दही पहले से ले रखे हैं। हम तो वेटिंग में खड़े हैं यहाँ पर मम्मी के पराठे, अपने हाथों से बनाए हुए पराठे तो डेली खाते, लेकिन आज हम मम्मी के बनाए हुए हाथों के पराठा देख वाह लाल चट हो गया, लाल चट ऐसा पराठा होगा क्योंकि ये मेरा पराठा हम खाएंगे। सरसों का साग है, ये गर्मा गर्म आलू के देसी घी के पराठे, मक्खन दही। भाई नाश्ता आ चुका है, देखिए आलू के देसी घी के पराठे, दही, मक्खन और लस्सी, जीरे साथ में भाई, और ये भी सारे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। ओके नीचे चलता हूँ नाश्ता कर लिया। और ये ओए तुम भी आ गए क्या? हेलो ये क्या है? बच्चों के लिए समोसे। बच्चों के लिए है समोसे हैं ये तो, ओ हो हो गरम गरम समोसे। ये टिक्की मैं तो खाती नहीं हूँ तुझे पता है, मैं खाते नहीं हो तो ले जा रहे हो बच्चों के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों के लिए बच्चों का बहाना बना के और खुद खा रहे, ये गलत बात है। मैं खाती नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आज चोरी पकड़ी गई। तो गाइस वहीं चलते हैं, एक भाई ने मुझे कॉल करा था, एक भाई का यूट्यूब चैनल, तो उन यूट्यूब चैनल में मेरा सूट का शूटिंग करनी है, उन कंटेंट बना रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो में मेरा भी रोल है। तो भाई मुझे सुबह से फोन कर रहा है, तो भाई के पास जाता हूं, जाके थोड़ा कंटेंट बनाता हूं, मैं जाके अब कपड़े भी बदल लेता हूं, उसमें जो शूटिंग कर रहे हैं ना उस कंटेंट में, इसमें कपड़े भी उसी कंटेंट के पहनूंगा, कपड़े चेंज करके जा रहा हूं। तो मैं इनके पास भाई ठीक है आपको वहीं चल के मिलते हैं। ओके तो भाई वहाँ से हम शूटिंग कर आए, वहाँ से कंटेंट बनाया है जो वीडियो बनानी थी, अब मैं आ गया भाई घर पे और देखता हूँ भाई जो मिस्त्री लग रहे हैं भाई मिस्त्रियों ने क्या क्या काम किया हुआ है, देखते हैं। लुक चेक करो भाई, आउट क्लास लुक बना दिया भाई फ्रंट में, ऊपर से भाई सारा पेंट भी हो गया, यहाँ तक तो पेंट कर दिया, देखो सारे गोले वोले भर दिए, कलर भर चुका है सारा, ग्रिले रह चुकी है इसकी फ्रंट की, और सारा ग्रेनाइट भी लगा दी नीचे से और ऊपर से टाइलें लगा दी। कमेंट करके बताना भाई कैसे लग रहा कलर, मैं सुबह से गया था अब आया हूँ, और भाई टाइलें भी लगा दी इन्होंने, ग्रेनाइट लगा दिया। चाय बना दो, देखो भाई चाय मिस्त्री। हाँ बिल्कुल पियूंगा भाई, चाय पियेंगे सब पियेंगे। आराम से आते हैं अंदर भाई, हम भी चाय वाय पीते हैं, सुबह से गया था मैं थक गया भाई। क्या कर रहे हो भाई आज? आज वैसे अलमारी पल्लाओं की टक्कर लगा के सनमाइका लगाएंगे कल। सनमाइका कब लगाओगे? सनमाइका लगाएंगे कल। कल लगाओगे? कल लगाओगे। आज क्या कर रहे हो फिर? आज टक्कर लगा रहे पल्लों की, टक्कर लगा रहे सारे। रिजवान भाई क्या कर रहे हो? फिनिशिंग कर रहे हो? किसकी फिनिशिंग कर रहे हो? ये फिनिशिंग बोल रहा है, फिनिशिंग फिनिशिंग बोलियो, फिनिशिंग फिनिशिंग को फिनिशिंग बोल रहा है। तू क्या कर रहे हो भाई? फिनिशिंग कर रहा हूँ। तुम ही फिनिशिंग कर रहे हो? कब तक हो जाएगी फिनिशिंग? होगी तेरी भाई, ये मिस्त्री भाई ये सारे फिनिशिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग नहीं कर रहे। ये भाई सब मिस्त्री जा रहे हैं, छुट्टी हो गई इनकी, 5 बज के टाइम हो गए छुट्टी का। तो भाई हम भी चल रहे हैं अंदर, अब जाके सोएंगे, बाहर जाके देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं सारे। ये देखो हाथ सेक रहे हैं, क्या बात है, हाथ सेक रहे हैं ठंड में। अरे हाथ नहीं सेक रहे, ये तो कुछ और कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हाथ में जाएगा भाई, क्या कर रहे हैं? अलग से मेरी चाबी दे जा। नहीं दे। क्या करेगा तू? देख जितनी चाबी है ना इतना बड़ा ही है तू, देख चाबी जितना है। हाँ। चाबी जितना है ना, ये बहुत छोटा, इस चाबी की है ना इतना है, बस ये इतना। जितनी ये चाबी है ना उतना ही है तू।